आजकल मुझे ये शो हो रही है साइट, ठीक है, productfigures.com /research.product/product, ठीक है। ये बहुत बहुत जबरदस्त इसके मतलब फीचर्स हैं जो मुझे बड़े अच्छे लगे हैं अभी तक तो। लेकिन मुझे लगता है कि इन्होंने कुछ अर्सा फ्री देंगे, उसके बाद इन्होंने क्या करना है, इसको पेड कर देना है। सो जितना अर्सा आपको फी मिलती है इसकी सर्विसेज, आप इसको यूज करो। अब ये सारी क्या करते हैं, ये अली एक्सप्रेस की ही प्रोडक्ट आपको बताते हैं, ठीक है। अभी ये ओपन हो जाती है तो मैं आपको बताता हूँ इसकी डिटेल बाकी। अब मजे की बात है कि ये आपको अली एक्सप्रेस की ही प्रोडक्ट बताती है, और वो प्रोडक्ट बताती है जो बहुत ज्यादा सेल्स होने वाली होती हैं, ठीक है। और इसकी हर कैटेगरी के अंदर ये प्रोडक्ट्स आपको नजर आ रही होती हैं, ठीक है। लाइक ये प्रोडक्ट है, उसके बाद ये है, ये है। अब इसको आप कैटेगरीज वाइज भी चेक कर सकते हो। आप किसी भी होम एंड गार्डनिंग के ऊपर आपकी मतलब कोई आप वो कर सकते हो, होम इम्प्रूवमेंट आपका स्टोर है, लाइटनिंग पे है तो आप वो यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें ना आप यहाँ से आपको प्रोडक्ट्स मिल सकती हैं हर तरह की। अब मैं इसको इस प्रोडक्ट को ओपन करूंगा तो आपको अली एक्सप्रेस पे ही ये प्रोडक्ट डायरेक्ट ओपन होगी, ठीक है। अब मैं देखता हूँ, सॉरी, अच्छा, इन्होंने और मजीद फीचर इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, अदरवाइज ये डायरेक्ट जो है ना वहां पे ओपन होती थी, ठीक है, अली एक्सप्रेस के ऊपर। ये अब अली एक्सप्रेस का इन्होंने यहाँ पे दे दिया। अभी इनकी न्यू मतलब आई थिंक साइट स्टार्ट की है, तो उसके अंदर वो चीजें जो है ना आपको बता भी रहे हैं। अब ऑर्डर्स भी बता रहे हैं कि कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं। ये बहुत जबरदस्त मतलब फीचर्स दे रहे हैं कि लास्ट 7 डेज के अंदर इतने ऑर्डर आए हैं, और उसके बाद ड्रॉप शिप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब ये देखिए एकदम ये जो है ना बूम कर रही है इस टाइम के ऊपर, फरवरी में, और ये ज्यादातर ड्रॉप शिपिंग कहाँ पे हो रही है, यूएस में हो रही है। और उसके बाद स्टोर कौन कौन से हैं, ये बड़ा जबरदस्त फीचर है। लाइक कौन कौन से स्टोर इसको यूज कर रहे हैं, ये देखें। इस प्रोडक्ट को ये स्टोर भी सेल कर रहा है, ठीक है। आपने भी इसी तरह का स्टोर जो है ना वो बनाना है, ठीक है। अब ये स्टोर भी सेल कर रहा है, उसके बाद ये स्टोर इन्होंने लीड कर दी हुई, ठीक है। तो ये आपको साथ में स्टोर भी बताते हैं कि कौन सा स्टोर ये इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। ये सारे स्टोर आप ओपन भी कर सकते हो, और ओपन करके आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें मतलब यहाँ फिर आप ओपन करोगे तो ये प्रोडक्ट देखो तकरीबन 30,000 इसके ऑर्डर्स आ चुके हैं। 4.6 जो है ना इसकी रेटिंग है, तो इट्स मीन कि एक अच्छी प्रोडक्ट है। इतने लोगों ने बाय किया और इतने लोगों ने बाय करने के बाद अच्छा रिव्यू दिया। 4.5 से ऊपर जितना भी अच्छा मतलब रिव्यूज हों तो वो अच्छे ही होते हैं। लाइक इस प्रोडक्ट में आपको मतलब ये प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हो। उसके बाद मजीद अगर आप देखो नीचे जाओ तो अगर लाइटनिंग में जाते हैं या कोई और अगर आप मतलब देखते हो तो लाइटनिंग के अंदर आप जाकर उसको ब्राउज करते हो, ठीक है। तो उसके अंदर आपको हर प्रोडक्ट जो है ना वो मजीद आपको एक्सप्लोर करेगी। तो आप इसका मकसद ये है कि आप अपनी नीड से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिएगा कि प्रोडक्ट फाइंडिंग और सिलेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर, लाइक कह सकते हैं शॉपिफाई के अंदर। क्योंकि अगर आपकी प्रोडक्ट में दम है और तो आपका स्टोर किसी तरह का भी हो, वैसे स्टोर बहुत मैटर करता है आजकल। लोग देखते हैं कि आप जहां से बाय कर रहे हो उसकी क्रेडिबिलिटी है या नहीं है। तो आपने स्टोर भी बड़ा अच्छे तरीके से लोगो शोगो और उसके बाद बैनर्स, उसके बाद हर चीज, वो सारी चीजें मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगा। सो प्रोडक्ट फाइंडिंग सबसे पहला बेसिक चीज है कि आपकी प्रोडक्ट अच्छी होनी चाहिए, इतनी अच्छी होनी चाहिए कि लोग जो है ना देखते ही उसको बाय करें, सिंपल इतना है। तो ये कुछ प्रोडक्ट लाइटनिंग से रिलेटेड है। ये देखो जैसे इसको ओपन आप करते हो, तो ओपन करने के बाद आपको आइडिया होगा कि ये
इसी प्रोडक्ट experience.com के ऊपर कि ये प्रोडक्ट कितने की है, उसकी प्राइस क्या है, उसकी एवरेज क्या है, उसके बाद जाना टोटल सेल्स कितनी है नाइन, और उसके बाद ये कब से ज्यादा पॉपुलर होना शुरू हुई है। अभी ये देखे तो फरवरी के बाद इसकी ज्यादा पॉपुलरिटी बढ़ी है। तो ये सारा फीचर्स आपको प्रोडक्ट फिगर्स डॉट कॉम रिसर्च और स्लैश प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको ये मिलेंगी सारी चीजें, ठीक है। तो ये भी एक हो गया, और इसके बाद लास्ट में मैं आपसे साथ डिस्कस करता हूँ पैक्सडा डॉट कॉम, ठीक है। ये भी एक इसी तरह की साइट है, लेकिन ये अगर आप प्रीमियम इसका लेते हैं तो फिर आपको ज्यादा फायदा है। बट ये है कि अगर प्रीम में आप यूज करते हो तो इसके अंदर आप सिंपल आपको कुछ प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी। अब ये क्या करते हैं कि आपको प्रोडक्ट, यहाँ पे जाता हूँ मैं अगर प्रोडक्ट्स के इनके फीचर्स के अंदर, तो यहाँ पर आपको ये सारे प्रोडक्ट्स बता रहे हैं, और साथ में ये कौन, ये कहाँ से प्रोडक्ट लेते हैं कि यहाँ से प्रोडक्ट लेते हैं, ये जो मैंने सेव की हुई है, ठीक है, ये मेरे डैशबोर्ड पे आती है तो मैं उसको सेव कर लेता हूँ। तो ये क्या करते हैं, ये उन्हीं प्रोडक्ट को जो ऑल ओवर द वर्ल्ड मतलब चल रही होती है, लोग उसको सेल कर रहे होते हैं, कंपेन्स चल रही होती हैं, तो वो इसको करते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर इनको मेंशन कर देते हैं। अभी इसके अंदर वो डिटेल भी बताते हैं कि कौन कौन सी प्रोडक्ट जो है ना वो कितने ऑर्डर्स हैं, उसके बाद उसकी प्राइस क्या है, उसके ये वो हर चीज जो है ना, और अली एक्सप्रेस पे उसकी क्या प्राइस है, ये सारी चीजें जो है ना वो बताते हैं, ठीक है। लाइक अगर मैं इसको ओपन करता हूँ और उसके बाद नीचे थोड़ा सा जाते हैं, तो ये फ्लावर एम्ब्रॉयडरी हुडी है, इसको आप देखो तो वो साथ में बता भी रहा है सेलिंग प्राइस कितनी है, उसके बाद कॉस्ट कितनी है, ठीक है। अली एक्सप्रेस पे ये प्रोडक्ट जो है ना वो $14 की ऑलमोस्ट, और शिपिंग जीरो है, और मार्जिन ऑफ प्रॉफिट, अब ये बंदा कितने की सेल कर रहा है, $34 की सेल कर रहा है, 13 मतलब $14 की लेकर, ठीक है। सो एक अच्छा उसने प्रॉफिट मार्जिन अपना रखा हुआ $20 के करीब उसने, और उसके बाद फेसबुक के ऊपर कंपेन ये वो। अगर आप इसके बाकी फीचर्स लेते हैं तो बाकी फीचर्स में ये बताते हैं कि आपने फेसबुक के ऊपर टारगेटिंग कैसे कौन कौन सी करनी है, और उसके बाद जो है ना आपने साथ में ये स्टोर का नाम भी बताते हैं कि कहाँ से प्रोडक्ट ली, और जो अभी रन कर रहे हैं कंपेन वो भी सारी चीजें बताते हैं। तो सही, ये एक कह सकते हैं कि अच्छी एक साइट है, अगर आप मतलब इसका प्रीमियम वर्जन लेते हैं तो वो भी अच्छा रहेगा। प्राइसिंग इसकी अगर आप देखो तो तकरीबन, अभी चेक कर लेते हैं कितनी कितनी है, $2 में आपको 14 दिन में मिल जाएगी, उसके बाद 14.95 में आपको मंथली जो है ना इसकी डिटेल मिलेगी। अगर आप मतलब 14 दिन में $2 देकर इनकी सर्विस जो है ना वो आप ले सकते हो, उसमें आप कोशिश करो कि देखो कि इसमें आपको बेनिफिट होता है या नहीं होता। मैंने एक दो दफा यूज की है, अच्छा इससे इम्पैक्ट पड़ता है, और अच्छी आपको डिटेल ये आपको प्रोवाइड करते हैं, तो आप भी स्टार्टिंग में यूज कर सकते हो। आपको कुछ चीजों का नहीं समझ आ रही तो आप इसको यूज कर सकते हो। सो यहाँ तक प्रोडक्ट फाइंडिंग के वेज में तकरीबन ऑलमोस्ट आप लोगों के साथ 7 डिस्कस कर चुका हूँ, और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप लोगों को समझ नहीं आनी कि प्रोडक्ट कहाँ से मैं बाय करूँ फाइंड करूँ, ठीक है, और उसको सिलेक्ट कैसे करूँ, ये वो हर चीज जो है ना बड़ा मुश्किल होगा आप लोगों के लिए। सो इसीलिए मैंने आप लोगों को एक एक चीज, अच्छा बाद में कुछ लोग स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि आ जाते हैं, सर प्रोडक्ट नहीं फाइंड हो रही, अगर फाइंड हो जाती है सर सेल नहीं आ रही, सेल नहीं आ रही। देखो इतने वेज मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस इसीलिए किए हैं कि आपने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, आपके पास इतने वेज हैं, इतनी प्रोडक्ट हैं, थाउजेंड्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, और इसके ऊपर आप काफी अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। क्या कह रहे हैं pexa.com, जी बिल्कुल सेम है, सॉरी फॉर दैट, इसमें चलो 6 वेज के पास जी। अगर आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर सुना हो तो मैंने